नमस्कार, स्वागत है आपका हिमकॉम न्यूज़ में। मैं हूँ हर्षिता त्रिपाठी। आइए नज़र डालते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर विदेश यात्रा पर जाते रहते हैं, और सिर्फ जाते ही नहीं हैं, हमेशा देश के लिए कुछ लेकर भी आते हैं। आज प्रधानमंत्री 2 दिन की अनौपचारिक चीन दौरे पर गए हुए हैं, जहाँ वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात को देखना दिलचस्प होगा, और साथ ही ये पता चलेगा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी चीन की उल्टी मानसिकता और धोखे वाली नीति को बदल पाएंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि इन मुद्दों का हल निकालना बेहद ज़रूरी है। ऐसे बड़े 5 मुद्दे हैं जिसके हल की उम्मीद इस मुलाकात से की जा रही है। पहली, क्या भारत और चीन के बीच डोकलाम को लेकर तनातनी खत्म होगी? दूसरी, पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर में क्या चीन दखलंदाजी करना बंद करेगा? तीसरी, क्या आतंकवादी मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने में भारत का समर्थक बनेगा चीन? चौथा, क्या न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत की एंट्री को समर्थन देगा चीन? पांचवा, इस पर भी बात होगी कि चीन ने भारत का बाजार पर कब्जा किया हुआ है, पर चीन का बाजार भारत की एंट्री को तैयार नहीं है, आखिर क्यों? बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए हिमकॉम न्यूज़। धन्यवाद।